में जो आते हैं कुछ चिंता रोग और भय के कारण काल्पनिक स्वप्ने आते कुछ स्वप्ने प्रभात काल को आते हुए जल्दी फल देने वाले होते कुछ स्वप्ने स्वास्थ्य की खबर बताने वाले होते कुछ स्वप्ने होने की खबर देने वाले होते तो कुछ स्वप्ने हो गई उसका चित्रण दिखाते स्वप्ने सभी के सभी झूठे नहीं होते सभी के सभी सपने सच्चे भी नहीं होते जैसे सीता जी चिंतित थी और रावण के भय से भयभीत थी तो उनको ऐसे ही काल्पनिक सपने आते कि राम जी का ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 77 में आया है कि सपने में गौ का दर्शन हाथी घोड़े महल पर्वत वृक्ष पर चढ़ना भोजन करना अथवा रुदन करना आदि दिखता है तो समझ लो आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर राजा सेना बैल दीपक अन्न फल पुष्प छत्र हवन रथ आदि दिखता है तो आपको धन के साथ कीर्ति की भी प्राप्ति होने वाली है। गाय का दूध गाय का घी गाय माना ये देसी गाय वो सुवरी में से बनाई हुई जर्सी गाय की बात मैं नहीं करता। गौ दुग्ध गाय का घी फल पान मंदिर श्वेत धान्य से भरा घड़ा अगर दिखता है तो लक्ष्मी प्राप्ति होके ही रहेगी। फलवान वृक्ष सर्पदंशन मतलब सांप ने काट लिया अथवा मत्स्य दिखा मोती शंख हीरा चंदन फले फूले बेल आम आदि देखे तो धन की प्राप्ति होने वाली ही है। अगर प्रतिमा और शिवलिंग दिखता है तो सपने में प्रतिमा दिखी भगवान की या शिवलिंग दिखा तो विजय और धन होने वाला ही है। शुभ स्वप्न में भस्म रुई हड्डी के सिवाय अन्य श्वेत वस्तुएं जो भी दिखती है वो सब शुभ ही शुभ करेगी। हड्डी रुई और भस्म ये दर्शन अशुभ है बाकी का सफेद चीजें स्वप्न में दिखे वो सब शुभ की सूचक होती है। अशुभ स्वप्न में दिखे वो वस्तु काली वस्तु अशुभ मानी जाती लेकिन काली गाय दिखे तो अशुभ नहीं। हाथी घोड़े ब्राह्मण देवता देव के सिवा अन्य काली वस्तुएं सब अशुभ मानी जाती है। स्वयं को मरा हुआ देखना मतलब लंबी आयुष्य होने वाली है। स्वयं को रोगी देखना सपने में आप निरोग होके ही रहेंगे पक्की बात है। स्वयं को सपने में दुखी देखना आप सुखी होंगे बिल्कुल पक्की बात है। ये स्वप्न शास्त्र का सिद्धांत अकाट्य है जो आपने अभी सुना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार से मैंने आपको जो का त्यों सुनाया है। एक शब्द भी मेरा उसमें मिला हुआ शायद नहीं है।